अब वीडियो में आगे तो बढ़ेंगे हर बार की तरह, लेकिन उससे पहले अगर सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। और आप में से कुछ लोग हो जो कहते हो कितने बार करें, तो भाई साहब थैंक यू सो मच, आपने सब्सक्राइब किया हुआ है। अगर नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एंड्रॉइड कस्टमाइजेशन के ऊपर बहुत सारे वीडियो हमने वहां बना दिए, आगे भी बनाएंगे, जाके सब्सक्राइब कर लो। और आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं एवोल्यूशन X 6.0 को, जो कि होने वाली है एक और कस्टम रोम, ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1। इस लंबे से नाम वाले फोन पे मैंने इसको कर लिया है इंस्टॉल, और कैसी परफॉर्मेंस रही है, क्या कुछ अच्छा बुरा मुझे लगा है, सब आपके साथ में शेयर करूंगा। तो फटाफट से वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बट अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को आगे से और वीडियोस देखने के लिए, और अच्छी लगे तो लाइक भी करके जाना। अब चलते हैं आगे। अब देखो, हमेशा की तरह सबसे पहले वाली चीज जो मैं आपको दिखाता हूँ वो देखो, पहले तो मेरी होम स्क्रीन देखो, वॉलपेपर वगैरह लगा के क्या मस्त बना के मैंने रखा, ठीक है ना। तो ठीक है, अगर आपको वॉलपेपर चाहिए तो कमेंट करके बता देना, आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, मतलब चैनल के अंदर, तो वहां जाके भी ज्वाइन कर लेना, उसका भी लिंक नीचे है। अब सबसे पहले देखो, यहाँ पे आपको मिलता है ऐप ड्रॉल, जो कि बहुत ज्यादा भाई जब मक्खन चल रहा है, इतना मक्खन ये पिछले हफ्ते में नहीं चला पूरे में जितना अब चल रहा है, लेकिन हाँ ऐप ड्रॉर वाकई में स्मूथ है। ये चीज आप मेरी बातों से नहीं बल्कि चलते हुए खुद यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट चीज है क्विक टॉगल्स, तो क्विक टॉगल के अंदर एक बग मुझे मिलता था व्हाइट मोड में भी, ऊपर वाला हिस्सा जो आप देख रहे हो बिल्कुल टॉप वाला, वो आपको डार्क दिखता था, यहाँ पे वो बग नहीं है। इसके अलावा थोड़ा सा नीचे करेंगे तो देखो एक्सट्रीम, यानी कि आपको वाईफाई और मोबाइल डेटा दोनों अलग अलग मिल जाते हैं, एक के अंदर कंबाइन कर दिया गया था, तो वो चीज भी आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। कहां मिलती है, यहां पे जब आप एडिट करने जाओगे ना नीचे, तो ये देखो इंटरनेट के नाम से आपको मिल रहा है। इसके अलावा वाईफाई मोबाइल डेटा दोनों चीजें अलग अलग है, और ये कुछ क्विक टॉगल्स हैं जो आपको बाय डिफॉल्ट मिलते हैं। वेल, नीचे वालों की बात करें तो वो एप्स वाले हैं, जो एप्स के थ्रू बनते हैं, मैंने एप्स डाली है उनसे बने हैं। नेक्स्ट चीज, ओके गूगल, तो भाई साहब एक साथ दोनों फोनों का चल गया, दूसरा वाला वहां रखा हुआ, वो कह रहे हैं मालिक क्या हुआ, कैसे कैसे याद किया, क्या बात हो गई, तो उसके अंदर भी चल गया, इसके अंदर भी चल गया। तो हाँ, गूगल असिस्टेंट आपका वॉइस डिटेक्ट करता है, या हैंड फ्री पे आप अपने गूगल असिस्टेंट को यूज कर सकते हो। नेक्स्ट चीज, आप लोग पूछते हो इंटरनल ऑडियो रीडिंग है क्या, मैं कहूंगा हाँ है, कर सकते हो, इसके अंदर फीचर था अभी जब मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा था। एक और चीज आप लोग पूछते हो कॉल रिकॉर्डिंग है क्या, मैं कहूंगा नहीं है, लेकिन ट्रू कॉलर के अंदर आ चुकी है। ट्रू कॉलर भी मैंने अपने टेक न्यूज़ में बताया था कि हम इंडियन 73% लोग हैं और 300 मिलियन टोटल यूजर्स हैं इसके, तो भाई साहब आप ट्रू कॉलर की मदद से कॉल रिकॉर्ड कर सकते हो, इंटरनल ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सपोर्ट है, तो कर सकते हो, जाओ जाके करो। अब देखो फोन के सेटिंग में आ गए, यहां आपको दिख रहा होगा एंड्रॉइड वर्जन 12, इस पे क्लिक कर लेते हैं, बहुत मन लालची हो रहा था, तो यहां देख सकते हो सबसे पहले एवोल्यूशन एक्स, इसके एंड्रॉइड वर्जन की बात करते हैं तो एंड्रॉइड 12 है ऑब्वियसली। यहां पे आप देखो एवोल्यूशन एक्स का जो अपना वर्जन है वो है स्नो, इसका नाम जो वर्जन है 6.0 है, और ये एक ऑफिशियल बिल्ड है। और इसके अलावा नीचे जाओगे 5 नवंबर 2021 का सिक्योरिटी पैच, क्योंकि दिसंबर का तो अभी आया नहीं है, ये वीडियो में शूट कर रहा हूं 4 दिसंबर को, एक दिन पीछे चल रहा था मैं अभी तक, अभी अपडेट हुआ। और इसके अलावा थोड़ा सा नीचे आते हैं तो देखो यहां आपको मिलेगा वेलोसिटी कर्नल, जो कि मैंने पहले भी यूज किया था, इतना ज्यादा मजा तब भी नहीं आया था, इतना ज्यादा मजा अब भी नहीं आया, क्यों नहीं आया आगे आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा किसी और नंबर में भाई देखो आप लोगों का इंटरेस्ट है तो रोक करके देख लेना, सब कुछ मैं नहीं पढ़ने वाला हूं। प्ले प्रोटेक्ट सर्टिफिकेशन की बात करते हैं तो डिवाइस इज सर्टिफाइड, जो कि अच्छी चीज है, अगर ये सर्टिफाइड नहीं होता तो आप बहुत सारी एप्लीकेशन जो आपके डिवाइस को सिक्योर नहीं लगती वो प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं कर पाते, पर अभी सर्टिफाइड है कोई दिक्कत नहीं है, सारी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर पाओगे। नेक्स्ट है सेफ्टी नेट टेस्ट, तो यहां पे आप देख सकते हो सब कुछ पास का आ गया है, इसका मतलब क्या है, आपके फोन के ऊपर CTS प्रोफाइल की वजह से जो बैंकिंग वगैरह ऐप में दिक्कत आती है वो नहीं आने वाली, आप आराम से अपनी बैंकिंग पेमेंट ऐप को यहां पे यूज कर सकते हो, SBI योनो को छोड़कर, इंडस मोबाइल को छोड़कर, इसके अलावा कोई और है तो मुझे बता देना, आगे उसका नाम भी ले लिया करेंगे। अब आए हैं नेटिव रूट चेकर में, तो आप देख सकते हो सब कुछ हरा हरा है, कुछ भी लाल नहीं देखने को मिला, इसका मतलब सब कुछ ओके है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। वैसे देखा जाए मुझे उम्मीद थी नहीं इस वाले बिल्ड से कि इसके अंदर सब कुछ होगा, डिवाइस भी आपका सर्टिफाइड है, CTS वेरिफिकेशन की बात करते हैं तो वो भी आपका पास हो जाता है, इसके अलावा रूट की बात करते हैं तो रूट डिटेक्ट नहीं होता, तो भाई सब कुछ अच्छा अच्छा है इसके अंदर, फिर कमी कहां पे है, चलो आगे बढ़ते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो कमी देखो यहां पे है कि ऐप फ्रीज हो जाती है कभी कभी चलते हुए, DRM इंफॉर्मेशन चेक करने के लिए जो मैं ऐप खोल रहा हूं वो नहीं खुल रही है, सिर्फ उसका जो स्प्लैश स्क्रीन आती है वो मेरे सामने आ रही है, और मुझे जहां तक उम्मीद है ये फोन या ये वाली जो रोम है ये भी L3 के सपोर्ट के साथ में आती होगी। और जो कमी रोम के अंदर मैं बता रहा था वो यही है कि कभी कभी स्टक हो जाता है, और स्टक के बाद में देखो घड़ी का रंग भी बदल गया है, पहले लाल आ रहा था अभी नीला हो गया है, पता नहीं क्या बक ससुरा एकदम बुड़बक हो गया। कैमरा 2 API की बात करते हैं तो Level 3 का सपोर्ट मिलता है, मतलब गूगल कैमरा आप यूज कर सकते हो अपने फोन पे और उससे अच्छे फोटो वीडियो निकाल सकते हो, अगर आपके फोन का जो डिफॉल्ट कैमरा है या आपके कस्टम रोम का जो डिफॉल्ट कैमरा है वो उस काम में सक्षम नहीं है तो गूगल कैमरा इज द बेस्ट ऑप्शन। अब बात कर
लेते हैं साउंड क्वालिटी की, तो साउंड क्वालिटी ठीक है, आवाज का जो लेवल है वो भी अच्छा है, आवाज की जो क्वालिटी है वो भी अच्छी है। अब फर्क नहीं पड़ता आपके पास में कौन से यंत्र तंत्र है, सब कुछ आप लगा सकते हो, अच्छे से यूज कर सकते हो। मैंने भी यूज किया है, मुझे भी मजा आया, आपको भी मजा आएगा। नेक्स्ट चीज है कनेक्टिविटी के बारे में बात कर लेते हैं, क्या कुछ काम करता है क्या कुछ काम नहीं करता। तो शुरुआत करते हैं मोबाइल डेटा काम करता है, इसके अलावा वाईफाई काम करता है, हॉटस्पॉट काम करता है, ब्लूटूथ काम करता है, इसके अलावा जो आपका वाईफाई कॉलिंग है वो भी काम करता है, वॉल्टी भी काम करता है। अब पूछो कि काम क्या नहीं करता, तो भी सब कुछ काम करता है, जब नहीं है कुछ ना काम करने वाला तो नहीं बता रहे। तो हाँ, हर चीज की क्वालिटी भी ठीक है। ऑपरेटर वीडियो कॉलिंग मिलती है, बट कौन करता है आजकल ऑपरेटर वीडियो कॉलिंग। मेरे फोन पे मुश्किल से 3-4 साल में अभी मेरे एक दोस्त ने कर दी थी, कलिया परसों भाई सब मत्था ठीक है। और अब बात कर लेते हैं सिग्नल स्ट्रेंथ की। तो देखो, मोबाइल नेटवर्क आप लोगों के सामने फुल आपको दिख रहे होंगे, इसके अलावा वाईफाई की बात करें तो वाईफाई में भी 3 बार्स आ रहे हैं, और इस लोकेशन पे हमेशा से आपको बताता है वो हमेशा 3 ही आते हैं। बाय द वे, हमारे घड़ी जो है वो वापस से लाल रंग की हो गई, अगर आपने नोटिस नहीं किया तो नोटिस कर लो। सिक्योरिटी सेक्शन में है, देखते हैं क्या कुछ इंतजाम इन लोगों ने हमारे लिए किए हैं। तो यहाँ पे आपको मिलता है एक नॉर्मल सा लॉक जिसमें आप पिन पैटर्न पासवर्ड और वगैरह वगैरह रख सकते हो। इसके अलावा नीचे आओगे पिक्सल इम्प्रिंट, क्योंकि ये पिक्सल एक्सपीरियंस के ऊपर बेस करके बनाई गई है, तो यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट का नाम पिक्सल इम्प्रिंट देखने को मिलता है, यानी कि फिंगरप्रिंट का सपोर्ट है। फेस अनलॉक नहीं है, ऐप लॉक नहीं है, और अभी लग रहा कुछ दिन तक मिलेगा भी नहीं, बट जब आएगा बता देंगे। सिस्टम अपडेट की बात करते हैं, तो हाँ आपको ऑप्शन तो मिल जाता है सिस्टम अपडेट, बट नीचे इसको लग रहा है बुड़बक्को के हमारे फोन का जो इंटरनेट है वो कनेक्ट नहीं है, जबकि कनेक्ट है अच्छे से, वाईफाई ऊपर दिख रहा है चलता हुआ। तो भाई साहब इसके कन्ने फेल है, आपको कोई भी अपडेट यहाँ पे नहीं मिलने वाली। नेक्स्ट जो भी बिल्ट आएगा आपको फोन पे मैनुअली फ्लैश करना पड़ेगा, तब आप उसको यूज कर पाओगे। इसके अलावा आप बढ़ते हैं रैम मैनेजमेंट की तरफ, और इस ऐप की मुझे सबसे प्यारी चीज लगती है जो एक्सेंट कलर होता है ना, वही पूरे ऐप में आ जाता है। और भाई साहब यकीन मानो या मत मानो, रेड कलर के साथ में तो आहा क्या ही लग रहा है ये। तो देखो रैम मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं, 69% आपकी रैम यूज हो रही है, जिसके लिए अभी मैंने कोई एप्लीकेशन बैकग्राउंड में मेरे ख्याल से नहीं छोड़ी हुई है। तो मेरे ख्याल से रैम मैनेजमेंट तो अच्छा है नहीं उतना, 33 पड़ी है, मतलब 30% या 31% आप कह सकते हो फ्री है आइडल सिचुएशन में, तो क्या ही मतलब बनता है इसका। तो रैम मैनेजमेंट उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, और जो वेलोसिटी कर्नल की मैं बात कर रहा था, मुझे नहीं पता उसकी वजह से, लेकिन उसके साथ मुझे पहले भी ऐसा फील हो चुका है, तो हाँ मुझे लगता कहीं ना कहीं उसका दोष भी रहा होगा इस चीज में। और अभी कल शाम ही तो मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा था, तो उसमें से एक कमेंट आया किसी सज्जन महापुरुष का, मेरे सब्सक्राइबर का, उन्होंने कहा कि भाई गीक बेंच दिखा दिया करो, हर बार बोलना पड़ता था। जी मालिक बिल्कुल दिखा देंगे, कैसी बात करते हो, काहे नाराज होते, दिखा देते ना। तो भाई साहब इस वाले कस्टम रोम का गीक बेंच ये रहा आपके सामने, और यकीन मानो सिंगल कोर पे इससे कम या इससे बुरा स्कोर आज तक मैंने देखा नहीं है। तो इस रोम के ऊपर पहली प्रॉब्लम तो वो थी जो ऐप चिपक जाती है, और कर्नल का तो हाल आप देख ही सकते हो, मतलब गीक बेंच का क्या बवाल मचा पड़ा है। मतलब तो मेरे हिसाब से इसके साथ में हमें कोई दूसरा कर्नल यूज करने की जरूरत है, इस कर्नल के साथ तो इस रोम से काम नहीं हो पाएगा। अब बात कर लेते हैं चार्जिंग टाइम की। देखो चार्जिंग टाइम अच्छा है भाई साहब, 2.5 से 3 घंटे का समय फोन लेता है, आपका फोन फुल चार्ज हो जाएगा, जो कि एक अच्छी चीज मुझे लगी है। इसके अलावा बात करते हैं बैटरी बैकअप की, तो बैटरी बैकअप भी ठीक है, मैंने फोन को आपकी बात तो थोड़ा बहुत यूज कर लिया है, वैसे मैं ज्यादा यूज करता नहीं था, बट नीचे कुछ अजीब नहीं लग रहा, 222 घंटे 20 मिनट स्क्रीन ऑफ पे तो बौखला गया है। लगभग 1.5 से 2 दिन आप अपने फोन को नॉर्मल यूसेज पे चला सकते हो, स्क्रीन ऑफ ऑन पे चलाओगे तो आपका फोन लगभग 10 से 11 घंटे तक चल जाता है, जो कि एक अच्छी चीज है। और वैसे भी इस फोन की उम्र 3 साल से ऊपर हो चुकी है, 5000 एमएच की बैटरी घट के 4000 की रह गई होगी, बट फिर भी ये अच्छे से काम करता है, और इससे क्या चाहिए। और अगर आप लोग मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं आपको गेमिंग बता के जाऊंगा, तो ना मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा ठीक है बता देता हूं, तो गेमिंग इस पे आप नहीं कर सकते। अभी गीकबेंच स्कोर मैंने आपको दिखाया, कर्नल का हाल आप लोगों ने देखा 260 के समथिंग आया था, तो वो चीज कहीं से कहीं तक गेमिंग को जस्टिफाई नहीं करती है। अच्छा कर्नल डालो, मे बी आप उसके साथ में कर पाओगे, बट हो सकता है उसमें भी वो फ्रीज वाली जो प्रॉब्लम है वो रहेगी। मैं ब्राउजिंग करता हूं ना गूगल क्रोम पे, कोई आर्टिकल पढ़ रहा होता हूं, कुछ भी चला रहा होता हूं, कुछ भी ढूंढ रहा होता हूं, तो वो चिपक जाता है। गेम में क्या होगा, मतलब एक ब्राउजर हैंडल नहीं हो पा रहा। और अब बढ़ते हैं आज की फाइनल चीज की तरफ, जो कि सेटिंग्स में हमको मिलेगी। सेटिंग्स में जाएंगे और इसके ऊपर आप देख सकते हो द इवॉल्वर जा, तो ये खुल गया। इसके अंदर देखो सबसे पहले चीजों को बहुत सिंपल रखा गया, जैसे एंड्रॉइड 12 में आपको मिलती है ना मेन्यू, वैसा ही यहां पे भी रखा गया। ये है भाई साहब कस्टमाइजेशन, आपको थीम्स चाहिए यहां आपको मिल जाएंगी, सिंपल डार्क है और लाइट है, कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा इन लोगों ने। इसके अलावा स्टेटस बार में आप ट्रैफिक इंडिकेटर लगाना चाहते हो, जैसे मैंने लगाया तो यहां से लगा सकते हो। नीचे देखो आपको काफी सारी चीजें मिलती हैं, आप क्या शो कराना चाहते हो, क्या हाइड कराना चाहते हो, वॉल्टी हाइड कराना चाहते हो, गूगल असिस्टेंट कहां से बीच
वॉल्टी हाइड कराना चाहते हो तो यहाँ से हाइड करा सकते हो, ये मैंने हाइड करा दिया, ये मैंने वापस शो करा दिया। इसके अलावा नीचे आओगे नोटिफिकेशन में आप कस्टमाइज करना चाहते हो चीज़ों को तो यहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा क्विक सेटिंग्स में आप कुछ चेंज करना चाहते हो तो वो भी आपके सामने सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। इसके अलावा पावर मेन्यू, ये तो जेस्चर्स में हम पहुँच गए, हाँ तो पावर मेन्यू में आपको क्या रखना है क्या नहीं रखना है काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, तो ये भी मुझे एक अच्छी चीज़ लगी है। इसके अलावा जेस्चर जैसा हमने कहा था तो जेस्चर वाली सेटिंग यहाँ आपको मिल जाती है। और इसके अलावा लॉक स्क्रीन पे आपको क्या कुछ रखना है तो देखो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। एंड थोड़ा सा नीचे बढ़ेंगे, बटन्स को कस्टमाइज करना है वगैरह वगैरह, वॉल्यूम बटन से क्या हो, पावर बटन से क्या हो वगैरह, ऐसी चीज़ें करनी है वो सब यहाँ आपको मिलता है। मिसलेनियस के अंदर आपको टोस्ट ऐप आइकन वो देखने को मिल जाता है, मतलब जो कोई नोटिफिकेशन आएगा तो ऐप का आइकन भी उसके साथ में आपको दिखेगा। इसके अलावा सीपीयू इन्फॉर्मेशन आप ऑन कर सकते हो तो देखो सीपीयू कहाँ यूज़ हो रहा है, कैसे कैसे यूज़ हो रहा है वो आ गया। और यूएसबी कॉन्फ़िगरेशन बाय डिफॉल्ट जब आप केबल से कनेक्ट करोगे पीसी के साथ में तो क्या हो वो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। तो कस्टमाइजेशन के बारे में मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन बेसिक चीज़ें आपके लिए यहाँ पर डाल दी गई हैं जिनका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हो। और मुझे इससे कोई ज़्यादा शिकायत नहीं है, बस शिकायत है तो कहाँ पर, परफॉर्मेंस के मामले में। इसके अंदर परफॉर्मेंस उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, ऊपर से जो स्टक होने वाली प्रॉब्लम है वो और खून पीने वाली है। तो देखते हैं इस हफ्ते कौन सी नई कस्टम रोम मैं आप लोगों के लिए ट्राई करता हूं और आने वाले वीक में उसका रिव्यू लेकर के आता हूं। बट बाय द वे ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, मन में कोई सवाल सुझाव कुछ भी है कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है वहां पे जाकर के लिख सकते हो, मैं कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई देने की। इसके अलावा अगर वहां रिप्लाई नहीं देता तो आ जाओ इंस्टाग्राम पे, मेरे ख्याल से यहां आपको मिल जाएगा हैंडल या फिर यहां पे मिल जाएगा, आके मस्त लड़ाई वड़ाई करते हैं वहां पे, बोलो कि जवाब क्यों नहीं देते हो, देंगे वहां पे जवाब। तो बस इतना ही आज के इस वीडियो में, हमेशा की तरह लाइक शेयर सब्सक्राइब और मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।